मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया या मॉडल। का नाम है मानव संसाधन नियोजन या मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया या मॉडल। मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। पहला, संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों का विश्लेषण। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों एवं उसकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ही किया जाता है। अतः मानव संसाधन नियोजन संस्था के उद्देश्यों लक्ष्यों के आधार पर ही किया जाता है। इस दृष्टि से मानव संसाधन नियोजन के लिए समग्र संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। संस्था के उत्पादन, विपणन, वित्तीय, शोध एवं विकास आदि सभी क्षेत्रों के उद्देश्यों एवं नीतियों का अध्ययन आवश्यक है। इनके अध्ययन एवं विश्लेषण से संस्था के तकनीकी, प्रतिस्पर्धी, वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण की भी प्राथमिक जानकारी हो जाती है। इससे मानव संसाधन नियोजन करने में सुविधा एवं आसानी रहती है। नेक्स्ट स्टेप है मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। संस्था के उद्देश्यों का अध्ययन कर लेने के बाद मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का भी निर्धारण एवं स्पष्टीकरण कर लिया जाता है। ये उद्देश्य मानव संसाधनों के उपयोग या नियोजन से संबंधित होने चाहिए। प्रोफेसर एंथोनी के अनुसार मानव संसाधनों के उपयोग से संबंधित उद्देश्यों को निर्धारित करते समय निम्नांकित पहलुओं पर विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे संस्था के रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक कर्मचारियों की पदोन्नति से अथवा बाह्य स्रोत से भर्ती करके की जाएगी। मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्यों में प्रशिक्षण एवं विकास की भूमिका क्या होगी। मानव संसाधन नियोजन में श्रम संघ की ओर से तो बाधाएं तो नहीं है, यदि है तो इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। कर्मचारियों के कार्य को किस प्रकार समर्थ किया जा सकता है। देने के निर्देश कार्यों को बंद कर देना चाहिए अथवा जारी रखना चाहिए। संस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके कर्मचारियों की संख्या को किस प्रकार घटाया जा सकता है। संस्था के उत्पादन एवं अन्य कार्यों का किस सीमा तक संचालन कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है। इसके कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों की क्या व्यवस्था की जा सकती है। अनुकूल एवं लोशील कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर तीसरा, मानव संसाधन नियोजित प्रक्रिया का तीसरा तत्व या घटक, मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान करना। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत अगले चरण पर मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। इसे पूर्वानुमान के द्वारा दो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। पहला, भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा दूसरा, भविष्य में आवश्यक कर्मचारी किन किन योग्यताओं से युक्त होंगे। मानव संसाधन की आवश्यक संख्या तथा उनकी योग्यताओं का निर्धारण सामान्यतः संस्था के दीर्घकालीन नियोजन तथा वार्षिक बजट के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक निर्माण संस्था में विक्रय बजट के आधार पर उत्पादन नियोजन किया जा सकता है। इसके आधार पर उत्पादन एवं विक्रय विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा योग्यताओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान करते समय अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए। इनमें कुछ बातें आंतरिक होती है जबकि कुछ अन्य बातें बाह्य वातावरण से संबंधित हो सकती है। आंतरिक बातों में बजट की सीमाएं, उत्पादन का स्तर, नवीन उत्पाद सेवाएं, संगठन संरचना इत्यादि बाह्य वातावरण से संबंधित बातों में प्रतिस्पर्धा, आर्थिक संनियम एवं नीतियाँ, नियामक संस्थाएं, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण इत्यादि प्रमुख है। चौथा घटक, मानव संसाधन आपूर्ति पूर्वानुमान करना। मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान लगाने के बाद उसकी आपूर्ति की स्थिति का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मानव संसाधन आपूर्ति के अंतर्गत ये ज्ञात किया जाता है कि संस्था के भीतर एवं बाहर से कितने कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। इस संख्या में निम्नलिखित कर्मचारियों की संख्या को उठाया या जोड़ दिया जाता है। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी संख्या, संस्था में स्थानांतरण एवं पदोन्नति के कारण कर्मचारी संख्या में होने वाला गड़बड़, कार्यशील घंटों में के अपव्यय से उत्पन्न कमी,
कार्य घंटों में परिवर्तन के प्रभाव से हुई घटबढ़, कार्य दशाओं में परिवर्तन के प्रभाव से हुई घटबढ़। मानव संसाधन आपूर्ति का पूर्वानुमान करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं का विश्लेषण करना पड़ता है। विद्यमान मानव संसाधनों का विश्लेषण करना, आंतरिक आपूर्ति स्रोतों का विश्लेषण करना तथा बाह्य आपूर्ति स्रोतों का विश्लेषण करना। पहला है विद्यमान मानव संसाधनों का विश्लेषण। विद्यमान मानव संसाधनों का विश्लेषण करने के लिए विद्यमान कर्मचारियों में से प्रत्येक के चातुर्य एवं योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। ये एक प्रकार से विद्यमान कर्मचारियों के चातुर्य एवं योग्यताओं का अन्वेषण है। गैर प्रबंधकों के अन्वेषण में चातुर्य सूचियाँ तैयार की जाती है, जबकि प्रबंधकों के लिए प्रबंध सूचियाँ तैयार की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी के चातुर्य एवं योग्यता की सूची बना ली जाती है। ये सूचियाँ संस्था के कर्मचारियों के संबंध में व्यापक सूचनाएँ उपलब्ध करती है। आंतरिक आपूर्ति स्रोतों का विश्लेषण करना। संस्था के विद्यमान कर्मचारियों के चातुर्य एवं योग्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद नियोजकों को आंतरिक आपूर्ति स्रोतों को का अध्ययन करना चाहिए। इससे ज्ञात हो जाता है कि आंतरिक स्रोतों से कितने कर्मचारियों की आपूर्ति संभव हो सकेगी। ऐसा विश्लेषण करते समय निम्नलिखित तरीकों या विधियों का उपयोग किया जा सकता है। आगम निर्गम प्रभाव विधि, यानी इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में संस्था में कितने कर्मचारी आ सकते हैं तथा कितने संस्था छोड़कर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी विभाग में किसी समय विशेष पर 100 व्यक्ति कार्यरत है। इस विभाग में स्थानांतरण पदोन्नति के कारण क्रमशः 5 तथा 10 व्यक्ति आते हैं तथा पदोन्नति सेवानिवृत्ति तथा नौकरी छोड़ने के कारण क्रमशः 5, 8 या 5 व्यक्ति चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में संस्था में आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कर्मचारी संख्या निम्नानुसार होगी। आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कुल कर्मचारी संख्या बराबर विद्यमान कर्मचारी संख्या प्लस आगम प्रवाह माइनस निर्गम प्रवाह। प्रश्न उदाहरण के अनुसार आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या 100 + 5 + 10 - 5 + 8 + 5 = 97 होगी। आवर्तन दर विधि। इस विधि में आंतरिक स्रोत से उपलब्ध होने वाले कर्मचारी संख्या का अनुमान निम्नलिखित सूत्र से लगाया जा सकता है। आवर्तन दर बराबर एक वर्ष में संस्था छोड़ने वालों की संख्या अपॉन वर्ष के दौरान कर्मचारियों की औसत संख्या इंटू 100। उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था में 300 कर्मचारी औसत रूप से कार्य वर्ष के दौरान कार्य करते हैं तथा उनमें से 30 कर्मचारी वर्ष के दौरान संस्था छोड़कर चले जाते हैं तो आंतरिक स्रोत से कर्मचारियों की विद्यमान संख्या बनाए रखने के लिए निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। आवर्तन दर बराबर 30 / 300 × 100 = 10%। इस प्रकार यदि 300 कर्मचारी संख्या को बनाए रखना है तो संस्था को आगे प्रतिवर्ष 30 कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। 300 का 10% 30 आ गया। कार्यदशाएं तथा अनुपस्थिति की दर भी आंतरिक स्रोत से कर्मचारियों की आपूर्ति को प्रभावित करती है। कार्यदशाओं में हम कार्य के घंटे एक से अधिक पारियों के पारियों में कार्य ओवरटाइम कार्य अंशकालीन कर्मचारी संख्या साप्ताहिक अवकाश से वेतन अवकाश इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। इन सब से कर्मचारियों की आपूर्ति प्रभावित होती है। इसी प्रकार अनुपस्थिति बिना अनुमति कार्य पर न आना की दर भी कर्मचारियों की आपूर्ति को प्रभावित करती है। अनुपस्थिति दर को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अनुपस्थिति दर बराबर कर्मचारियों की संख्या माइनस कार्य दिवसों की हानि अपॉन औसत कर्मचारी संख्या इंटू कार्य दिवसों की संख्या इंटू 100। अनुपस्थिति की दर को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ति करने पर ही विद्यमान कर्मचारियों की आपूर्ति बनाए रखी जा सकती है। उत्पादकता का स्तर। विद्यमान कर्मचारियों की आपूर्ति उनकी उत्पादकता से भी प्रभावित होती है। यदि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है तो विद्यमान कर्मचारियों से भी कम कर्मचारियों से उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त पूरा किया जा सकता है। फलतः वर्तमान उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में कम कर्मचारियों की ही आवश्यकता पड़ती है। अन्य विभागों में पदों से आपूर्ति। प्रत्येक संस्था के कई विभागों में अन्य विभागों या अन्य पदों से भी कर्मचारी आते हैं। ऐसा पदोन्नति या स्थानांतरण कार्य परिवर्तन के कारण होता है। इससे ये आंतरिक स्रोत से आपूर्ति प्रभावित होती है। बाह्य स्रोतों से आपूर्ति का विश्लेषण करना। जब संस्थाएं विकास एवं विस्तार करती है तो आंतरिक स्रोत से कर्मचारी आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में बाह्य स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है। आपूर्ति के बाह्य स्रोत अनेक है। प्रत्येक संस्था अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें से किसी एक या अधिक स्रोतों से आवश्यक कर्मचारियों को प्राप्त कर सकती है। अब है मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया मॉडल का 5वां घटक। मानव संसाधन आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
मानव संसाधन की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण कर लेने के बाद संस्था की मानव संसाधन की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु मानव संसाधन की मांग तथा आंतरिक स्रोत से आपूर्ति की तुलना की जाती है तथा आपूर्ति में कमी को ज्ञात किया जाता है। इससे ज्ञात हो जाता है कि भविष्य में कब कितने किन योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से मानव संसाधन योजना का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, कार्य योजनाओं का निर्माण। मानव संसाधन की आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाने के बाद उनकी प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रमुख कार्य योजनाएं निम्नानुसार हो सकती है। भर्ती योजना, जिनसे ये निर्धारित किया जाता है कि अपेक्षित संख्या में निर्धारित योग्यताओं वाले व्यक्ति कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट, उन्हें नियोजन करना, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि विद्यमान कर्मचारियों को वहाँ पर प्रोन्नति दी जा सकती है या स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अधिक निवारण योजना, जिसमें अधिक कर्मचारियों की छटनी, कार्यबंदी की या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण योजना, जिसमें विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ नए चेहरों को भी प्रशिक्षित के रूप में प्रशिक्षित करने योग्य योजनाएं बनाई जाती है। नेक्स्ट, उत्पादकता योजना, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं ताकि कम लोगों से अधिक कार्य पूरा हो सके। प्रतिधारण योजना, जिससे में कर्मचारियों को संस्था में रोकने, अनुपस्थित में होने देने, अधिक इच्छा अच्छा पारिश्रमिक देने, कार्यदशाएँ सुधारने के कार्यक्रम होते हैं, जिनसे कर्मचारी संस्था में बने रह सके या रोके जा सके। कोई भी संस्था इनमें से किन्हीं एक या दो अधिक कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन करके संस्था में कर्मचारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकती है। और फिर मानव संसाधन योजना का घटक या प्रक्रिया या मॉडल का अंतिम घटक और मूल्यांकन एवं नियंत्रण करना। मानव संसाधन नियोजन का यथासमय मूल्यांकन एवं नियंत्रण भी अनिवार्य है। इस हेतु इससे प्राप्त परिणामों की इसके उद्देश्यों लक्ष्यों से निरंतर तुलना करनी चाहिए। इसके कार्य परिणामों से उस प्रबंध को अवगत कराना चाहिए। ये यदि नियोजन के क्रियान्वयन से परिणाम अपेक्षित नहीं है तो नियोजन में आप सुधार करना चाहिए। उदाहरण, यदि निर्धारित संख्या में निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति निर्धारित समय पर नियुक्त नहीं हो जाते हैं तो आवश्यक उपाय करने चाहिए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की उपलब्धि को भी लागत भी बजट में निर्धारित कर लागत से तुलना करके लागत पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। यदि आवश्यक है अधिक कर्मचारी नियुक्ति हो गई हो तो उन्हें हटाकर लागत का नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार ये मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया या उसके मॉडल है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।